सारे सब्सक्राइबर जो न्यू रिकॉर्ड होल्डर हैं, कुछ जानकारी चाहिए कि मुझे आप ये बताइए कि लिम्का बुक रिकॉर्ड ऑफलाइन अप्लाई होता है कि ऑनलाइन अप्लाई होता है, थोड़ा सा पब्लिक को बताइए। तो मैं बात करता हूँ 2017 की, जब मैंने लिम्का बुक रिकॉर्ड स्टार्ट करा था, उस टाइम प्रोसेस ऐसा था ना, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करना पड़ता है, ऑनलाइन आप उनको मेल कर सकते हो, बट जो आपके एविडेंस होते हैं, आपकी वीडियो क्लिप होती है, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम मेल करते थे, उनके घर में पहुंचाते थे, जो उनका ऑफिस है वहाँ पर हमको पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहाँ पर पोस्ट करना पड़ता था। उस टाइम ऐसा प्रोसेस था, पर इस टाइम थोड़ा डिजिटलाइजेशन और बढ़ गया है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन हमें ऑनलाइन के थ्रू हम लिम्का बुक रिकॉर्ड बना सकते हैं, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने बहुत सारी मिस सुनी होगी कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड वाले पैसे लेते हैं, पर कोई पैसे नहीं लेते। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड आपको ना कोई कॉन्टेक्ट नंबर देगी, आपको सिर्फ मेल पर बात करना होगा, तो आप मेल और जो एड्रेस रहेगा, आप ऑफलाइन एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, ईयर बाई ईयर उसका फॉर्म निकलता है, तो आप कितना भी मेल कीजिएगा लिम्का बुक रिकॉर्ड का, आपको उधर से मेल आने में बहुत मुश्किल होता है। तो जिसको भी ऑनलाइन फॉर्म चाहिए लिम्का बुक रिकॉर्ड 2023 का, तो मेरे पास अवेलेबल है, आप धनबाद रिकॉर्ड होल्डर चैनल पे जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इंस्टाग्राम के थ्रू ईमेल आईडी से प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप अब आपका क्वेश्चन ये मेरा यही है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितना समय लगता है, कोई रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कोई ओल्ड टाइटल में अप्लाई किया तो कितना टाइम लगता है रिकॉर्ड एक्सेप्ट होने में, रिकॉर्ड अप्रूव करने में? तो अगर हम बात करते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो आपको बताना चाहता हूँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में टोटल 3 प्रोसीजर होते हैं, आप 3 डिफरेंट टाइप से रिकॉर्ड बना सकते हो। जो फर्स्ट होता है वो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो सेकंड होता है वो होता है थोड़ा चार्जेबल होता है, जिसका अमाउंट समथिंग डॉलर में होता है, अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपये पड़ता है। और जो थर्ड शेड होता है वो प्रायोरिटी वाला, उसमें आप क्या कर सकते हो, आप उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम है जो लंदन में है, आप उनको अपने प्लेस में बुला सकते हो, यहाँ रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके आने का जाने का अकोमोडेशन सब कुछ का एक्सपेंस आपको उठाना पड़ेगा, जो कि स्पॉन्सरशिप के थ्रू पॉसिबल है। अगर आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे आप कैसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। टोटल 3 प्रोसीजर होते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपका टाइम है आप टाइम का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ टाइम वेट कर सकते हो, तो अप्रोक्स आपको 9 से 12 मंथ्स लगेंगे आपका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सक्सेसफुल होने में, अगर आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पा रहे हो तो इजीली किसी भी कैटेगरी में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। न्यू टाइटल, जब भी आप न्यू टाइटल सेट करेंगे तो आपको $5 लगेगा, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के द्वारा आपको $5 देना होगा, और 4 से 6 मंथ आपको वेट करना होगा रिकॉर्ड अप्रूव होने के लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आप डिसाइड करेगी कि आपका रिकॉर्ड कैटेगरी में सही है कि नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा रिकॉर्ड टाइटल अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, तो किसी कारणवश होगा, तो आपको न्यू टाइटल में $5 लगेगा, और ओल्ड टाइटल में मतलब आप किसी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं तो आपको फ्री ऑफ